बरेली में अपने पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार आज आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजाक खान हाथरस रे पीड़िता के परिवार से मिलकर आईएमसी की तरफ से आर्थिक सहायता करने के लिए दोपहर आला हजरत मस्जिद बिहारपुरी करलोन से पार्टी अधिकारियों के साथ रवाना हुए। थोड़ी ही दूरी पर पुलिस चौके पर सिटी मैजिस्ट्रेट के साथ सीओ प्रथम कोतवाली प्रभारी भारी पुलिस फोर्स के साथ बैरिकेडिंग कर धारा 144 और कोविड के आधार पर जाने देने से इनकार करने लगे, जिस पर आईएमसी पदाधिकारी चौकी के सामने धरने पर बैठ गए। आईएमसी प्रमुख इस बात पर अड़ गए थे कि या तो जाने दिया जाए या फिर गिरफ्तार किया जाए। उनका कहना था कि किस आधार पर, किस कानून के आधार पर हमें रोका जा रहा है। मौजूद पत्रकारों से वार्ता करते हुए आईएमसी प्रमुख ने कहा कि सरकार नाकाम हो चुकी है, धर्म के नाम पर चुन कर आई है, सरकार सबसे बड़े अधर्म कर रही है। उन्होंने कहा हिंदू धर्म में रात में अंतिम संस्कार नहीं होता, इस सरकार ने यह अधर्म किया है। मौलाना ने कहा कानून नाम की कोई चीज नहीं रही। जिस बच्चे से रेप कर हत्या कर दी गई उस परिवार को प्रताड़ित किया जा रहा है, उन्हें बंधक बना दिया गया है, किसी से यहाँ तक कि मीडिया तक से मिलने नहीं दिया जा रहा, इससे बड़ा अन्याय और क्या हो सकता है। अपनी नाकामी छुपाने को कानून से खिलवाड़ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस नाकाम सरकार के खिलाफ संघर्ष जारी रहेगा। मीडिया प्रभारी मुनीर इदरसी इन्होंने बताया कि अतिशीघ्र आईएमसी का जनप्रतिनिधि मंडल हाथरस जाकर पीड़ित परिवार से मिलेगा और आईएमसी की तरफ से आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाएगी। इस मौके पर डॉक्टर नसीम खान, नदीम खान, अफजाल बेग, मुनीर इदरीसी, इफ्तिकार कुरेशी, हाफिज शराफत, शमशाद प्रधान, सलीम खान, राशिद चौधरी, फरहान रजा खान, नोमान रजा खान, रुखसार रजा खान, अनवर रजा खान सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता